हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वी के एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है क्लास 9 सीबीएसई मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13 इन्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स है। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। What is the area of glass and how much tape is needed for all 12 edges? ये एक इंडोर ग्रीन हाउस है, हर्बेरियम है, जिसके अंदर पौधे वगैरह रखते हैं, और पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है। और उसका जो है, उसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है और वो 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ही उसकी हाइट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पार्ट वन में है कि उसका एरिया कितना होगा ग्लास का, और दूसरा होगा कि जो एजेस हैं उन पे कितना टेप लगेगा। जो है एजेस जो हैं वो टेप से चिपके हुए हैं, तो कितना टेप, टेप का परिमाप कितना होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ग्लास। तो एरिया ऑफ ग्लास का है, तो ग्लास किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है। एल बी एच की वैल्यू दे रखी है, एल 30, क्यूबॉइड का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इजिकल टू ट्वाइस एल बी प्लस ट्वाइस बी एच प्लस एच एल, वैल्यू पुटअप कर दी और ये कैलकुलेशन कर लिया पूरा, ये आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना ग्लास इसको हर्बेरियम को बनाने में लगेगा। दूसरा, टोटल टेप कितना लगेगा। तो जितने एजेस हैं, 12 एजेस हैं, तो 12 एजेस का पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि लेंथ है 4 टाइम्स, तो 4L हो जाएगी, और 4 टाइम्स ही हाइट हो जाएगी, और 4 टाइम्स ही चौड़ाई हो जाएगी, ब्रिथ हो जाएगी। तो उन सबको वैल्यू पुटअप कर लिया और ये आ गया 320 सेंटीमीटर टेप उसको चिपकाने में लगेगा ग्लास पेन को। तो ये था इस सेकेंड नंबर का आंसर। थैंक यू।